भाई आज हमारे सामने जो ई सीधरी खड़ी हुई है ईवी वाली, चलते हैं अंदर की तरफ और बैठते हैं। देखिए है, अब देखते हैं कितनी तेजी से ये पकड़ती है स्पीड भाई, ये देखो 40। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एम कार 077। भाई आज हमारे सामने जो ई सीधरी खड़ी हुई है ईवी वाली, तो इसका नाम पूरा ड्राइविंग टेस्ट रिव्यू लेंगे, इसको बताएंगे कि कैसे मतलब चलने में है। देखिए बाकी इंटीरियर वगैरह तो सब कुछ सेम मिल जाता, थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ी सी छोटी हो जाती है। जैसे कि आप एक इसका एक वॉक अराउंड रिव्यू मैंने पूरा बनाया हुआ है, वो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। बाकी इसका जो है अब ईवी मोड में ये कैसे चलती है, क्या पावर मिलती है, वैसे तो ये 29.2 किलोवाट की इसमें बैटरी मिलती है और 320 किलोमीटर की रेंज पकड़ती है, मतलब इसकी कंपनी क्लेम करती है। तो अभी हम लोग ड्राइविंग टेस्ट करते हैं इसका और बताता हूँ आपको कि कैसे चलने में है, क्या टॉर्क है इसका, मतलब क्या पावर लेती है, वो सब बताऊंगा। ठीक है, वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं अंदर की तरफ और बैठते हैं। देखिए पर्सनली मुझे इस गाड़ी का जो है ना सीटें मुझे बड़ी कंफर्ट लगती है, मुझे नहीं लगता कि इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में सीटें इस तरीके से कंफर्ट होंगे भाई। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई सीट जबरदस्त है, तो चला के देख लेते हैं, लगाते हैं हम लोग सीट बेल्ट। अच्छा ये वाला जो ऑप्शन देख रहा ना, ये वाला टॉप का ये है अपना, दिखाता हूँ मैं ये लगाई। ठीक है, ये एक्सेसरीज का पार्ट है, आप अपना यहाँ से लगा सकते हैं इसको। तो अभी तो आप जीरो पर खड़ी हुई है। ठीक है, बात बंद करते हैं आपके सामने, इसको स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक है, आवाज़ तो होगी नहीं। और मोड्स आते हैं कुछ इस तरीके से, ये है ड्राइविंग मोड, इको मोड और अपना रिवर्स मोड, तो इस तरीके से मिल जाता है भाई। अब देखते हैं चला के। ठीक है, हैंड ब्रेक, तो ये चला के देखते हैं। अब जीरो पे है, अब देखते हैं कितनी तेजी से ये पकड़ती है स्पीड भाई। ये देखो 40, 43, 56, देख रहे हैं आप 66, 75, देख आराम से 80 पहुंच गई। कितने सेकंड पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। और हाँ, इसमें 29 किलोवाट की 29.2 किलोवाट की इसमें मैक्सिमम जो बैटरी आती है वो लिथियम बैटरी आती है, जो हमें प्रोवाइड करती है 320 किलोमीटर की रेंज। ठीक है, एज पर कंपनी, अभी फिजिकली हमने कभी ट्राई करी नहीं है, जब करेंगे तो बताएंगे। तो लगभग लगभग अगर मैं निकालूँ तो 290 के बीच में ये आपको आराम से दे देगी भाई। ठीक है, और इसका देख सकते हैं इंटीरियर वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल है सारा। ठीक है, और ये हमें सिर्फ दो वेरिएंट मिलती है, फील और अपना लीव में। ठीक है, इसका एक नया वेरिएंट ऐड हुआ है शाइन में, शाइन में अभी आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगी। हाँ, इन द फ्यूचर आपको जल्द से जल्द देखने के लिए मिल जाएगी। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो ये 11.5 लाख से लेके 12 लाख, 12.5 लाख के करीब करीब आपको ये एक्स शोरूम प्राइस पड़ जाती है। मैं हूँ इस टाइम जो हम हैं सेक्टर 29 गुड़गांव में। ठीक है, इसका एक शोरूम है, मैं उसका कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगा, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके अपनी बेस्ट से बेस्ट डील ले सकते हैं। चलाने बिल्कुल कंफर्ट है, गियर वगैरह की टेंशन है ही नहीं, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक है और हमें सारी यहाँ पर देता है कि कितने किलो रेंज बची है, पूरी MID डिस्प्ले पे हमें मिल रही है। कंफर्ट वगैरह का देख सकते हैं आप, और जो बोनेट एजेस है, मैं देखिए हमने आई के अपनी तरफ लेके आ गया हूँ, बोनेट एजेस मुझे आराम से दिखाई दे रहे हैं भाई। टर्निंग रेडियस भी आप देख सकते हैं इसमें, अच्छा खासा टर्निंग रेडियस हमें देखने के लिए मिल जाता है, देख रहे हैं। और सीट की तो मैंने बता ही दिया भाई कि इस सेगमेंट की किसी भी गाड़ी में मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे बेहतरीन सीट कंफर्ट मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा इस गाड़ी का मैं दीवाना हूँ सिर्फ सीट कंफर्ट का भाई। तो और ये एक ऐसी गाड़ी है जो हैचबैक के मतलब रेंज में, हैचबैक की बॉडी में, मतलब आपको एक SUV पूरा फील कराती है। तो आप RBM देख सकते हैं इस तरीके से, ट्विटर वगैरह मिल जाते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। एक छोटा सा ओवर रिव्यू है ये। ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है ना, ये मैक्सिमम पावर जनरेट करता है ये 57 PS का, और टॉर्क जो है इसका मैक्सिमम 143 न्यूटन मीटर का। तो इसका एक छोटा सा एक मैंने आपको ड्राइविंग टेस्ट रिव्यू दिया, मुझे तो बहुत बढ़िया लगी चलाने में। बाकी आप अपने कमेंट करके बताना, यहाँ पर आके अपनी ड्राइविंग टेस्ट भी ले सकते हैं आप आराम से। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएगा आपको ये गाड़ी कैसी लगती है आपको। ठीक है, और क्या कह रहा था, हाँ बाकी इंटीरियर वगैरह तो देख लिया आपके। हाँ, लास्ट चीज़ रह गई थी, इसका एक फुल्ली वॉक अराउंड रिव्यू वीडियो मैंने बना दिया, वो आके आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।